हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू HCl H2SO4 HNO3 ETCR सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक C6H12O6 एंड C2H5OH अल्कोहल डू नॉट सो एसिडिक कैरेक्टर। अब देखो, कोई एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है HCl H2SO4 HNO3 और ये दोनों एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा रहे, इसका क्या रीजन है? तो HCl अगर वाटर में डालोगे, H2O में डालोगे, ये क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। अगर H2SO4 को अगर हम लोग डालते हैं वाटर में, ये क्या होगा, 2H+ और SO4 2-, ये डिसोसिएट हो जाएगा। अगर HNO3 को डाला जाता है, HNO3 को वाटर में डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, H+ और NO3-। तो यहां पर ये सभी क्या हो रहा है, पूरी कंप्लीटली तरह से डिसोसिएट होकर एच प्लस आयन डोनेट कर रहा है। ठीक है, एच प्लस आयन डोनेट कर रहा है, लेकिन वही अगर हम लोग बात करें दूसरे तरफ C6H12O6 की, अगर इसको वाटर के साथ जोड़ा जाया गया तो नॉट, यानी कि ये डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, C2H5OH ये वाटर के साथ अगर जोड़ा जाए, वाटर में डाला जाए, तो डिसोसिएट नहीं होगा। तो ये डिसोसिएट होकर एच प्लस आयन डोनेट कर रहा है, और जो भी एच प्लस आयन डोनेट करता है वो एसिडिक कैरेक्टर का होता है, और ये डिसोसिएट होकर कुछ भी डोनेट नहीं कर रहा है, तो ये जो एच प्लस आयन डोनेट नहीं करता वो एसिडिक कैरेक्टर का नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं HCl H2SO4 और HNO3 सो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज इट डोनेट एच प्लस आयन। HCl H2SO4 HNO3 ETC सो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज इट डोनेट एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल C6H12O6 एंड C2H5OH कैन नॉट डिसोसिएट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन डोनेट करता है जबकि ये डिसोसिएट ही नहीं होता है। तो जो एच प्लस आयन डोनेट करता है वो हम लोग को पता है एसिड होता है, और जो डिनोट ही नहीं कर रहा है उसका एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।